हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वास वर्ल्ड। तो आज मैं झटपट बनने वाली है स्नैक्स एक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी काजू और मखाने की, जिसे आप चाय के साथ कभी भी ले सकते हैं। सो मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ, पैन चढ़ाना है, और उसमें एक चम्मच देसी घी डाली हूँ, घर का घी। और देख सकते हैं इतने सारे काजू, 20 से 25 दाने हैं काजू के, जितने आपके यहाँ मेंबर्स हो उस अकॉर्डिंग काजू डालना है। सो इतने काजू हैं, डाली हूँ थोड़ा घी गर्म होने पे, और काजू को हल्का फ्राई कर ले। देख सकते हैं काजू का कलर चेंज हो गया है कैसियो का। सो अब हम काजू निकाल लेंगे, और उसके बाद हम उसी घी में मखाने डालेंगे। सो थोड़े से मखाने, इसे भी अच्छे से फ्राई कर ले मीडियम फ्लेम पे, ताकि मखाने जले नहीं और अच्छे से क्रंची हो जाए। सो इसी तरह से मखाने को भी फ्राई कर लेंगे, और इसे आप चाय के साथ, गेस्ट आए कोई भी, और झटपट आप सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और इसे व्रत में भी खा सकते हैं, लेकिन व्रत में है कि नमक नहीं डालें, सादा ही बस घी में भूंज कर मखाने काजू खाएं। सो मैं अब मखानों को भी, मेरे फ्राई हो गया मखाने, सो उसे भी मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं काजू और मखाने इस बाउल में है, और अगर आप व्रत किए हुए हैं तो ऐसे ही सर्व करें। और इसमें मैं अब नॉर्मल खाने के लिए हैं तो एक चुटकी काला नमक डालूंगी, एक चुटकी चाट मसाला, और थोड़े से कुछ मिक्सर्स डालूंगी। सो देख सकते हैं ये खट्टा मीठा मिक्सचर है, इसमें डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। सो इसी तरह से मिक्सचर्स डालें, और आप उसे एक छोटे से बाउल में सब मिक्सर सारे को डाल दें, काजू मखाने मिक्सचर, और इसे बस चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।